नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। कोरोना काल में एक ट्वीट और एक फोन कॉल पर लोगों की मदद करने वाले सोनू सूद की बहन मालविका सूद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, यानी मालविका सूद ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। पंजाब में पिछले कई महीने की अटकलों के बाद सोमवार को फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तथा कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मोगा में सोनू सूद के घर पहुंचकर मालविका सूद को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। इस कार्यक्रम के दौरान सोनू सूद भी घर में मौजूद थे, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने नहीं आए। कांग्रेस में शामिल होने से पहले सोनू सूद ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल समेत कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सोनू सूद सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिले थे। अमरिंदर सरकार के समय सोनू सूद को चुनाव आयोग द्वारा स्टेट आइकॉन भी घोषित किया गया था। पंजाब में चुनाव की घोषणा होने से एक दिन पहले चुनाव आयोग द्वारा सोनू सूद को इस पद से हटा दिया गया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जब किसी व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री एक साथ जाकर पार्टी में शामिल करते हैं। मालविका सूद जिस पद पर बैठेंगी उस पद की शोभा बढ़ाएंगी। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मालविका सूद के कांग्रेस में आने तथा सोनू सूद द्वारा कांग्रेस को समर्थन करने पर समूचे पंजाब में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर मालविका सूद ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगी। पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वह पूरी ईमानदारी से निभाएंगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।